नमस्कार दोस्तों, आज ढेर का पहला दिन है। आज सुबह से पलटाई करके ढेर लगा दिए गए हैं। ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, ये 200 क्विंटल भूसा था जो हमने भिगोया था उस दिन, और आज इसके बराबर बराबर के तीन ढेर लगा दिए गए हैं। ढेर की ऊंचाई 5 से 5.5 फीट रखी गई है। अभी भी जो पानी देखिए निकल रहा है, वो हम वापस इसी में ही डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें और मिला रहे हैं, ऐसी बात, क्योंकि वो पानी मिलाना इसमें ज़रूरी है। कहीं कहीं धूप की वजह से पानी उड़ रहा है, टेम्परेचर है जो बाहर ज़्यादा है, तो हम पानी इसमें मिला रहे हैं, और पानी की जो मात्रा है वो हम बराबर रखेंगे। ये दूसरा ढेर आप देख सकते हैं कि हमने पूरा अच्छी तरीके से पानी से भिगो दिया। इसमें से भी पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल रही है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ देख सकते हैं आप, ये एक्स्ट्रा पानी बाहर आ चुका है। ये देखिए, जो पानी एक्स्ट्रा है वो बाहर आ रहा है, और वो एक्स्ट्रा पानी हम वापस इसी में ही दोबारा डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर खाद के जो पोषक तत्व हैं वो सब बाहर आ रहे हैं, तो इसका इसको वापस मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, तीन ढेर लगा दिए गए, बराबर बराबर तय हैं तीन। ऊंचाई भी इनकी बढ़िया रखी गई है, 5.5 फीट की। अभी इसमें से अमोनिया निकलना शुरू नहीं हुआ है, तो आज से 6 दिन बाद इसमें पलटाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ से देखिए पानी पानी निकल रहा है, देखिए साइड से, बिल्कुल साइड से पानी जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ से पानी निकल रहा है, देखिए। तो अब ये देखिए, अगर इसमें देखना चाहूँ तो देखिए, ये देखिए इसका रंग, कलर आप देखेंगे तो भूरा कलर होना शुरू हो गया। ये ऊपर से आपको सफ़ेद दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर से ये जो कलर है इसका गोल्डन है अभी, और अंदर से ये ब्राउन होना शुरू हो गया। ये देखिए, इसको आप इससे ज़्यादा, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप इससे ज़्यादा, ये देखिए अगर आप निकालेंगे तो इसमें से आप देखेंगे धुआं निकल रहा है इसमें से। आपको एक जगह और दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, आप देखना चाहेंगे, ये देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। इससे ज़्यादा इसको नहीं खोद पा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है कि इसमें हाथ जलने की पूरी, हाथ जल सकता है इसमें, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमने तीन पलटाई, दोस्तों हमने तीन ढेर इसके लगा दिए हैं। उसमें अब आज दोपहर के बाद उसमें जो मुर्गी खाद है वो मिलाएंगे, और फिर कल उसको भी ढेरियों के रूप में कर देंगे। कल हमारी मशीन आ जाएगी पलटाई वाली, तो हम उससे उसमें पलटाई करेंगे। तो पलटाई के लिए अब इसमें सिर्फ हमारा एक जिप्सम रह गया है कि जो हमें डालना है थोड़ा। अब हम जिप्सम इसमें नहीं डाला इन तीनों ढेरों में, जो कि हम 10 दिन बाद डालते हैं। तो अभी नेक्स्ट पलटाई पे मिलते हैं दोस्तों।